डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में मंत्री चंपई सोरेन ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि डुमरी में विरोधियों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग तो सिर्फ लोगों को निमंत्रण देने आए हैं कि 5 तारीख को जगन्नाथ महतो की आत्मा की शांति के लिए वोट करना है। सरकार के कई कैबिनेट के मंत्री आपको यहाँ चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए परिवहन मंत्री चंपई सोरेन हैं। दादा लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं, बीते 4-5 दिनों से लगातार डुमरी में जनसभा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में लोगों के बीच पहुंचकर वोट की अपील कर रहे हैं। हम दादा से सीधे जुड़ते हैं। दादा, आप तो 4-5 दिनों से डुमरी में ही है, क्या माहौल देख पा रहे हैं लोगों के बीच जगन्नाथ दा को लेकर, उनके काम को लेकर, वर्तमान में आपकी जो प्रत्याशी हैं बेबी देवी उनको लेकर किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं आप? देखिए, यहाँ डुमरी विधानसभा है, एक जेएमएम का सभी परिवार है, आज जगन्नाथ बाबू का लोकप्रियता उनका नेता और सभी समुदाय को लेकर जगन्नाथ बाबू हर समय यहाँ की आदिवासी मूलवासी के लिए, यहाँ के दलित के लिए, यहाँ माइनॉरिटी के लिए हर समय लड़ाई लड़ा है। कभी लड़ाई में कभी भी अपना पीछे नहीं हटा, इसलिए आज हर गांव में इसी तरह का उमाड़ के बैठक हो रही है और हम सब जो आए हैं, हम लोग संदेश देने के लिए आए हैं। 5 तारीख को वोट प्रचार नहीं, हम लोग संदेश देने आए हैं, निमंत्रण देने आए कि 5 तारीख को जगन्नाथ बाबू और समय में निधान के चलते यहाँ उपचुनाव हो रहा है, इसीलिए हम लोग फिर से हम लोग उसी का धर्म पत्नी बेबी देवी को एक नंबर बटन में हम लोग तीर धनुष को छाप पर हम लोग उस आत्मा को शांति के लिए हम लोग वोट करेंगे। उम्मीद से ज्यादा वोट उनको तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है लग रहा है आप लोग। बहुत जैसे हम आ गया तुरंत यहाँ जमा है, हमको किसी को बुलाने का जरूरत नहीं है, लोग स्वतः आ जा रहे हैं, तो स्वतः आ जाते हैं, कोई किंतु प्रत्यु नहीं है, कोई सवाल कोई खड़ा करता है नहीं करता है, खाली हमने कहा कि आपको निमंत्रण दिया जाएगा, 5 तारीख आपको वोट देना है। आज जगन्नाथ महतो को आत्मा की शांति के लिए एक नंबर बटन दबाना है तीर धनुष पर और उनका धर्म पत्नी को हम लोग जिताना है। दादा, इस बार एनडीए एकजुट है, पिछली बार अलग अलग आजसू और बीजेपी चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार दोनों एक साथ है, तो फाइट है या लग रहा है कि एक तरफा लड़ाई है, कहीं कोई फाइट नहीं है? यार ये फाइट नहीं है, इसको फाइट नहीं कहा जाएगा, है ना, यहाँ फाइट नहीं कहा जाएगा, ये लोग के पास कोई मुद्दा विहीन है, यही गठबंधन वही लोग का जो बीजेपी आजसू ओबीसी का 27% से 14% करने वाला ना वही है, वो लोग भी तो आज यहाँ 18-20 साल यहाँ राज किया है। वो कह रहे हैं कि महतो समाज का आप लोगों ने अपमान किया, एक महिला को आपने आबकारी विभाग दे दिया। अरे उसी विभाग से क्या मतलब, वो तो उसी को अपमान वो लोग कर रहा है, उसी को अपमान कर रहा है ये लोग बर्दाश्त नहीं है ये लोग का, इसीलिए ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। कैमरामैन उमेश के साथ राकेश कुमार, News 11 डुमरी। दंगल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।